वेलकम फ्रेंड्स इस हरे भरे माहौल में। और आज का ये जो सेशन है सीरीज का बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब तो आपको ये 51 डेज जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या, तो कुछ दिखाती हूँ मैं बाहर की हूँ। तो जैसे कि ये मैंने लिया, ये क्या है आपको, ये मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है, मिट्टी थोड़ा सूखा है तो मैंने गमले से मिट्टी लिया। तो हाँ दोस्तों, मेरे देश की मिट्टी, सोना उगले उगले ही रे मोती। तो आज ये मिट्टी से हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। शायद ये जो सीरीज है हमारा एक में कंप्लीट ना हो, क्योंकि इसमें काफी कुछ जानना समझना है और इसमें थोड़ा केमिस्ट्री भी है। अगर मिट्टी बोले तो वो आयरन ही होता है ना, मीन्स लाल मिट्टी है उसमें आयरन होता है। तो ऐसे ही आगे इसमें कुछ और चीजें जो हम देखेंगे समझेंगे, थोड़ा केमिस्ट्री भी, और मुझे केमिस्ट्री में इतना मालूम नहीं, बट इसको करने के साथ साथ उसमें मुझे समझ आई है। तो ये जो लाल मिट्टी है दोस्तों, ये जो लाल मिट्टी है इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। बिल्कुल सही, कुम्हार इसी से घड़ा बनाता है, रूफ का टाइल्स बनता है, छोटे छोटे स्कल्पचर दिवाली का दिया बनता है, तो इसको बोलते हैं टेराकोटा क्ले या लाल मिट्टी। हमारे देश में अलग अलग जगह पर इस मिट्टी का कलर अलग अलग होता है, कहीं ये बहुत लाल होता है, कहीं ये थोड़ा ग्रे होता है, कहीं थोड़ा सा और सॉफ्ट ब्राउनिश क्रीम कलर होता है। तो हमारे देश में अलग अलग जगह पर मिट्टी का कलर भी थोड़ा अलग अलग होता है। तो आज ये मिट्टी से हम क्या बनाने वाले हैं, क्या समझने वाले, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप घर बैठे क्या कर सकते हो, कैसे आप मिट्टी से बन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ मैं टेराकोटा ज्वेलरी, ये पॉसिबल है। हाँ, आप बोलेंगे कि इसको तो हमें भट्टी में पकाना पड़ता है, बिल्कुल सही, तो भट्टी में भी हम पकाएंगे और वो आप करोगे अपने घर में। कैसे, वो हम लोग जब काफी प्रोफेशनल लेवल पर रहेंगे तो देखेंगे। आज हम समझते हैं मिट्टी से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो ये मिट्टी से हम टेराकोटा ज्वेलरी, छोटे छोटे गणेशा स्कल्पचर, छोटी छोटी टाइल्स, म्यूरल्स, ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले मिट्टी को छानते हैं हम और साफ करते हैं, बिल्कुल इसमें कंकड़ और बालू नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसको आटे के जैसे बना के उससे जो भी स्कल्पचर बनाना हो बनाते हैं, और बाद में हम सुखाते हैं और ये फ्रेजाइल होता है, टूट जाता है। इसके लिए इसको बहुत सावधानी से रखना पड़ता है, सुखाने तक, पकाने तक, और फिर इसको भट्टी में पकाया जाता है। तो आप यहाँ पर ये कुछ भट्टी देख रहे होंगे जो हम प्रोफेशनल लेवल के लोगों के लिए भट्टी है, छोटी छोटी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर में भी ये काम कर सकते हो भट्टी का, आपके किचन के गैस में भी, तो ज्वेलरी हो सकता है। तो आप जैसे ये देख रहे हैं, ज्वेलरी सब लोगों ने अपने घर में बनाया है। तो हम लोग इस मिट्टी का काम कैसे करते हैं वो थोड़ा आप सीरीज स्टेप्स यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, वैल्यू मिल रहा है, तो आप जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब ये मिट्टी तो एक हो गया टेराकोटा, इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट है स्टोनवेयर एंड पोर्सलिन क्ले। तो ये स्टोनवेयर पोर्सलिन क्या है, तो जैसे कि आप ये स्कल्पचर सब देखते हो जो हम लोग एक चीज में या शो में रखते हैं, ये है स्टोनवेयर क्ले। और जिसके बारे में मैंने थोड़ा राखू फायरिंग हमने किया है, वो स्पेशल फायरिंग है, वो भी दिखाया था आपको लास्ट एक एपिसोड में। तो आज मैं बता रही हूँ कि ये पोर्सलिन क्ले या स्टोन वेयर क्ले वही है जो हमारे घर में क्रॉकरी होती है, जिस क्रॉकरी में हम सिरामिक का जो क्रॉकरी है, चाय का कप है, ये सब क्या है, स्टोन वेयर या पोर्सलिन। यहाँ पे हमारा आ जाता है केमिस्ट्री। तो ये जो क्ले है उसका एक कॉम्पोजिशन होता है। लाल मिट्टी तो हमें सीधा खेत से या कहीं से भी मिल जाता है, बट स्टोन वेयर क्ले में जैसे कि फेल्सपार, सिलिका, क्वार्ट्स, बेंटोनाइट, इस तरीके के जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये है इस मिनरल्स के नेम, जिसका एक कॉम्पोजिशन होता है। वो कॉम्पोजिशन को हर आर्टिस्ट अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करके उसको बनाता है, और फिर उससे वो स्कल्पचर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ स्कल्पचर स्टोनवेयर का देख रहे हैं, ये है प्रियांशु जो चाइल्ड प्रोडिजी ऑफ इंडिया है उसने किया है, और ये कुछ राखू स्कल्पचर है, फिर यही पोर्सलिन क्ले से आप ये कुछ छोटे छोटे केटल्स देख रहे हैं, ये शूज देख रहे हैं, तो इस तरीके की कुछ भी, हाँ घर का ये कप है, चाय का कप है, क्रॉकरी है ये। और अगर आप मुंबई से हो तो मैं आपको इन्वाइट करूंगी कि आप हमारा स्टूडियो पॉटर्स मार्केट जो काला घोड़ा फेस्टिवल में होता है जरूर आइए, विजिट कीजिए, वहाँ हम लोगों का स्टॉल होता है, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा एक स्टॉल है काला घोड़ा फेस्टिवल में, मेरी पॉटरी का और स्कल्पचर का, प्रियांशु का। तो ये था मिट्टी के बारे में मैंने थोड़ा आपको जानकारी दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में इसमें थोड़ा सा और हम इसका टेक्निकल मेथड समझेंगे। तो कैसा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके लिए बोलिए, वाह क्या बात है, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। धन्यवाद।